आरोग्य जागृति। दोस्तों, कोरोना की सेकेंड और थर्ड वेव है और भी घातक। जी हाँ, हमें इसे भी हराना है। कोरोना पहले सिर्फ लंग्स यानी फेफड़ों पे ही हानि पहुंचाता था, लेकिन अब ये और भी खतरनाक हो गया है। ये हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को भी हानि पहुंचा रहा है, जैसे किडनी, हार्ट और ब्रेन को भी अपने चपेट में ले रहा है। इसलिए हमें और भी सावधान रहना पड़ेगा, यही बता रहे हैं डॉक्टर माधवन मेमन जी। डॉक्टर मेमन ये सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट है, मराठवाड़ा में काफी जाना माना नाम है। डॉक्टर माधवन जी मेमन फिलहाल वे सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल औरंगाबाद में कार्यरत हैं। चलिए इनसे ही अधिक जानकारी लेते हैं, कोरोना की आने वाली दूसरी और तीसरी लहर से कैसे बचे। दर्शकों, आज हम डॉक्टर एम जी मेनन साहब से, जो न्यूरोसर्जरी जो काफ़ी अनुभवी है, आज हम उन्हीं से जानेंगे कोरोना और अपना न्यूरोसर्जरी के बारे में। कोरोना पेशेंट को कोरोना डिटेक्ट हो जाता है तो ब्रेन पे कैसा इफेक्ट करता है? कोरोना जो है एक वायरस है, या इस वायरस जो है जब एक बार बॉडी में अंदर घुस जाता है तो रिएक्शन करता है। अब सबको मालूम है कि कोरोना के कारण पेशेंट को किडनी में इफेक्ट, सॉरी पहले लंग्स में इफेक्ट होता है, लेकिन अभी का जो सेकेंड वेव है या थर्ड वेव में है, हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन ऑल ऑर्गन्स आर गेटिंग इफेक्टेड। जैसे किडनी इफेक्ट हो रहा है, हार्ट इफेक्ट हो रहा है, वैसा ब्रेन भी इफेक्ट होता है। अब ब्रेन इफेक्ट होने का दो डायरेक्ट कॉज हो सकता है, जैसे अपन बोलते हैं वायरस जाके ब्रेन में इफेक्ट होके मेनिंजाइटिस जो बोलते हैं, इंकेफलाइटिस जो बोलते हैं, वो होता है। और दूसरा सेकेंडरी इफेक्ट होता है, सेकेंडरी इफेक्ट बोले तो कोरोना के कारण जो ब्लड क्लॉटिंग बढ़ना है, ब्लड थिकनिंग बढ़ना है, उसके साइड इफेक्ट। उससे क्या होता है, जो पेशेंट्स जो बच्चा, अभी एज इज़ नॉट ए क्राइटेरिया, अभी हम ऐसे भी देख रहे हैं यंग लोग स्ट्रोक से आ रहे हैं, ये सेकेंडरी कॉज ऑफ कोरोना है। तो इसलिए कोरोना वायरस जो है, अभी अपना अपना गेम इतना, जैसा हम बोलते हैं ना, हम ऐसा सोचते हैं कि इंसान बहुत होशियार है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा होशियार अभी कोरोना वायरस निकला है। वो इतना फास्ट उसका एक्शंस चेंज हो रहा है, पहले सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करता था, अभी समझ में आ रहा है कि लंग्स ही नहीं, हार्ट को इफेक्ट हो रहा है, लीवर को इफेक्ट हो रहा है, किडनी इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन भी इफेक्ट हो रहा है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पहले ऐसा सोचते थे कि सिर्फ बुज़ुर्ग को ये इफेक्ट होगा, लेकिन हम अभी यंगस्टर्स में भी, यंग लोगों में भी देख रहे हैं ये प्रॉब्लम्स। पेशेंट्स को कफ या फीवर से होता है पहले, लेकिन कफ और फीवर से पहले ही पेशेंट्स को, कुछ लोगों को कोरोना के सिम्टम्स, हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक हेडेक, डिजीनेस, और क्या बोलते हैं, अलर्टनेस कम होना। ये कफ और फीवर आने के पहले ही पेशेंट्स को ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को फीवर और कफ आता नहीं है, लेकिन लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, ये भी कोरोना का एक सिम्टम है। तो इनकेस आपको बुखार और कफ नहीं है, लेकिन आपको सर दर्द है, चक्कर आ रही है, और टेस्ट और स्मेल गया, कम हुआ या गया होगा आपका, तो आपने अपने आप को चेक कर लेना है कि आपको कोरोना है या नहीं है। क्या अभी कोरोना और न्यूरोसर्जरी, न्यूरो डिसीज के ऊपर, अभी कोरोना हो जाता है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी लेता है, ये मेडिसिन लेने के बाद कुछ साइकोलॉजी ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है सर? मेडिसिन से साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन इस महामारी के बारे में जो डर जो फैला है सोसाइटी में, उसके कारण लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जा सकते हैं। और ये डिप्रेशन कम करने के लिए डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है उनका तो हाथ ही है, लेकिन उससे ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। फैमिली मेम्बर्स ने उनको सब अच्छा सपोर्ट किया, तो ये जो डिप्रेशन जो होता है पोस्ट कोविड, उसमें वो ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स को भी आसान हो जाता है। इसलिए फैमिली का जो क्या बोलते हैं, सपोर्ट सिस्टम जो बोलते हैं, जो अपने भारत में बहुत अच्छा है, अपने पास जो फैमिली सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, किसी को कुछ हो गया तो सब एकदम आ जाते हैं, एकदम एक में अपन हेल्प करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए पोस्ट कोविड डिप्रेशन जो है वो ट्रीट करने हमें भी आसान हो जाता है। कोरोना का ट्रीटमेंट होता है 12 दिन 15 दिन एक महीना जो होता है, उसके बाद अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल जैसा बताया कि कुछ इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है या फिर आगे उसको कोई डिसीज बड़ा हो सकता है? तो इश्यूज जो होते हैं उस कोविड टू अर्ली टू से कोविड के कारण हो रहा है कि ये जो महामारी का जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस जो है आजकल दुनिया में उसके कारण हो रहा है कि वी आर नॉट श्योर। लेकिन ये सत्य है कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं और जो पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स जो है लोगों को जो है कि थकान होना और खाना ना खाने का, दे डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, और फिर कुछ लोगों को हाथ पैरों में कमजोरी ऐसा महसूस होना, ये सब पोस्ट कोविड के सिम्टम्स है। प्लस साइकोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपना जो फैमिली सिस्टम जो इतना अच्छा है भारत में कि अपने फैमिली मेम्बर्स का जो सपोर्ट जो है वो मिल गया तो आधी बीमारी वही कवर हो जाता है डिप्रेशन का। देखो जैसा बोला जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये कोरोना महामारी जो है किसी को छोड़ना नहीं है, सबको होना है आज नहीं तो कल। लेकिन आपको नहीं होना है तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? पहली बात तो आप मास्क पहना करो, हमने जो मास्क पहना है वो N95 मास्क है, जो N95 सिर्फ ये जो N95 मास्क जो है सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स ने ही पहनना है, जनरल पब्लिक ने पहनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या पहना है वो डबल मास्क कर सकते हैं, 3 लेयर सर्जिकल मास्क विथ कॉटन या डबल मास्क पहन सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग, जितना आप कम क्राउड में जाओगे उतना अच्छा। और तीसरी बात जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैंड हाइजीन, हाथ धोया करें एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, और अपना हाथ चेहरे पे कहीं ना टच कर। ये तीन प्रिकॉशंस आप करोगे तो आपको कोरोना होने का संभवता बहुत ही कम है। तो आपके हाथ में है, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके आप ये तीन चीज करिएगा, कोरोना की जो महामारी जो है उसको हम हरा सकते हैं। इस जंग पे अपने को काबू करना है या इस जंग अपने जीतना हो तो फिर ये तीन चीज करिएगा, पहली बात मास्क पहना करो, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, और तीसरा हैंड हाइजीन, हाथ जितना आप साफ रखोगे उतना अच्छा। जैसा मैं पहले बताया प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, अनफॉर्चुनेटली इस महामारी के लिए अपने पास क्योर है ही नहीं। अब अपने हाथ में क्या ये तीन चीज है, और अभी ऑलरेडी वैक्सीनेशन जो है रोल आउट हो चुका है, जब आपका नंबर आएगा जब आप प्लीज़ आप जाके वैक्सीनेशन लीजिएगा, ये वैक्सीन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज़ आप जो कॉम्प्लिकेशन जो बताया जा रहा है कि वैक्सीन से होता है वो बहुत कम है, इट इज़ लेस देन 0.1%। वो जो वैक्सीनेशन से जो अपने जो क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन जो मिलता है वो प्रोटेक्शन इज फार फार बेटर देन लुकिंग एट द कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वैक्सीनेशन। हर एक वैक्सीनेशन को प्रॉब्लम है, आप पोलियो का देखिए, रेबीज के लिए वैक्सीनेशन देखिए, कौन सा भी वैक्सीनेशन, ऐसा कोई वैक्सीनेशन ऐसा नहीं कि 100% विदाउट कॉम्प्लिकेशन नहीं, हर एक वैक्सीनेशन को प्रॉब्लम है। लेकिन आप प्लीज़ वैक्सीनेशन करिएगा, जब भी आपका नंबर आएगा प्लीज़ वैक्सीन करें। और सबसे बेस्ट पार्ट जो अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट ऐसी आई है कि जो लोग वैक्सीनेशन लिए हैं जिनका 2 वैक्सीनेशन हो चुका है उनको भी इनकेस कोरोना हुआ तो उसका जो इंटेंसिटी है उसका जो सीवियरिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो आपके हाथ में है, देश को बचाना आपके हाथ पे है। आपको नम्र विनंती मैं कर रहा हूँ कि आप ये तीन चीज़ जो मैं बोला था, मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, और तीसरी बात जो है हैंड हाइजीन, और जब आपका नंबर आएगा तो आप प्लीज़ जाके आप वैक्सीनेशन कीजिएगा। थैंक यू जी। लेकिन हम आपको और एक अच्छी बात बताना चाहेंगे डॉक्टर मेनन साहब, जो है हम इनफैक्ट न्यूरोसर्जरी, हेड इंजरी और बेस पॉलिसी, ऐसे हर एक चीज़ पे हम उनका आपको मार्गदर्शन देंगे। आप आरोग्य जागृति हमेशा देखते रहिए। धन्यवाद।